उमेर भाई फिर विनिंग शॉट खेलेंगे, उम्मीद करते हैं कि उमेर भाई से विनिंग शॉट खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस जैसा कि आपको मैंने पहले बोला था कि लास्ट टाइम हमारा तीसरा मैच है, आज ही हमारे को जीतना है ताकि हम लोग सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर दें। और आज सुबह सुबह पनौतियाँ लगी हुई हमारे पे, मैं अभी उठ के आ रहा हूँ, बाइक की बाइक पे आए थे मेरे को लेने के लिए, बाइक की चेन टूट गई। अरे बाबा क्या बोल सकते हैं यार, एक तो माशाल्लाह से हमारे मेन प्लेयर है, ऊपर से सामान भी सारा इन्हीं के पास होता है, इंतजार करना पड़ता है भाई इनका, क्या करें। सामान पास रखने का यही फायदा, फिर लाजमी लेने तो लाजमी कोई ना कोई तो आएगा ही आपको, आप सो रहे होगे मर रहे होगे लेकिन आपके पास लाजमी आएगा कोई उठाने के लिए। बात तो सही है, पहले कैप्टन बोलता है नहीं छोड़ दो इसको, नहीं लेके जाते, मगर जब किट बैग का सामान, जब सामान की बात आती है ना, फिर बोलते हैं यार बुलाओ लड़के को, अहम बंदा है हमारा। चलो गाइस अभी हमारी फील्डिंग है तो एक आज भी कोशिश करेंगे कि दूसरी टीम को कम रन पे डिफेंड करें, फिर जितना टारगेट होगा उसको चेस करें ताकि सेमीफाइनल में हम लोग क्वालिफाई करें। बाकी आप लोगों से मिलते हैं बैटिंग पे। तो गाइस हमारे को 138 का टारगेट मिला 20 ओवर में, ब्लू लाइन्स ने शुरू में स्टार्ट तो अच्छा लिया था लेकिन हमारे बॉलर्स ने कमबैक अच्छा किया, उमेर भाई ने 4 ओवर अच्छे कराए, कितने स्कोर खाए 27 रन दिए, एक विकेट लिया चाहिए। बाकी ऐसा शेख ने आया कि ओवर अच्छे किए, 4 ओवर 27 रन दिए, 3 विकेट लिए, ऐसा शेख ने भी दोनों 27 दिए। चलो सही है, रैना ने बॉलिंग करके तो अच्छा कर दिया, वो हमारा काम है बैट्समैन का कि अभी हम लोग टारगेट चेस करें, और ये लास्ट टाइम इनके खिलाफ जल्दी आउट हो गए तो कोशिश करूँगा विकेट स्टे करके स्कोर बनाए ताकि मैच एंड तक लेके जाएं जीतें, वरना यार विकेट भी इतनी ख़राब है कि विकेट जल्दी गिर गई, क्योंकि एक दो विकेट में गिर गई। इंशाल्लाह भी कंटिन्यू करते हैं मैच में। उमेर भाई हमारे ब्लॉग है, वीडियो कैमरामैन हमारा उमेर भाई है, हमारी वीडियो बनाएंगे अभी आगे। तो कीर भाई ये चौके मारेगा फिर हम बोलेंगे 1 boss 2 boss एंड द डिफेंस। हमें 138 का टारगेट मिला है ब्लू लेंस अगेंस्ट टीम, तो कीर स्ट्राइक करते हुए और नॉन स्ट्राइक पे उमर, फैसल बॉलिंग करते हुए राइट आर्म फास्ट बॉलर अपना पहला बॉल करते हुए, बैट्समैन समझ ही नहीं पा रहे बॉल को, हल्का सा कट किया 4 के लिए, राइट आर्म फास्ट बॉलर वाइड बॉल था, वाइड बॉल को छेड़ दिया, अभी भी देखते हैं 4 हुआ कि नहीं, 4 हो गया फाइनल, वाइड बॉल अगेन, वाइड बॉल रन आउट का फिर चांस था, बॉल कहाँ जा रहा है, बैट कहाँ जा रहा है, समझ नहीं पा रहे बॉल को, पढ़ नहीं पा रहे, 2 ओवर 11 रन थे, बहुत अच्छा शॉट था लेकिन उतना ख़ास मिडल नहीं हुआ, देखते हैं कि 4 होता है कि नहीं होता, 4 हो गया, रन दिए यार, ये वही लगाया हुआ है तुआ तुम्हें जा, ये कीपर ने कैच छोड़ दिया, चांस मिल गया हमारे नसीर भाई को। नसीर भाई अभी क्या कहते हैं आप, अभी आपने 50 मार दी इंशाल्लाह, आपको चांस मिल गया, कीपर ने चांस दिया है आपको, मौत के मुंह से छू के आ गए, ये शॉट है यार 6 के साथ, क्या बात है, नसीर ने 6 के साथ अपनी खाता खोला। बच गया थोड़ा सा, हाथों से रन चुरा लिया, स्वेब आए अपना पहला ओवर करते हुए, वाइड बॉल को छेड़ते हुए जबरदस्ती का, बॉल करते हुए 1 bounce and 2 bounce and another defense 4 के साथ, वाइड बॉल को छेड़ते हुए देखते हैं कि 4 होता है कि नहीं होता, आखिर मिल गया 4, तोकीर का, तोकीर अपनी टीम को ऊपर लेके जाते हुए 17 बॉल को तना दिए, देखते हैं कि कैच होता है कि नहीं, कर ही दिया, 43 रन पे 2 आउट हो चुके हैं, आदिल आए न्यू बैट्समैन, बहुत अच्छा डिफेंस करते हुए, एक बॉल भी हो रहा है, टीम के न्यू बॉलर आए हैं काशिफ, लेग स्पिनर बॉलर हैं, अपना पहला बॉल करेंगे, हल्का सा कट किया, बहुत अच्छा शॉट था, देखते हैं 4 होता है कि नहीं, 4 हो गया, क्या बात है आदिल, सिंगल के लिए सीधा हाथों में कैच दे दिया,
मैंने पहले ही कहा था इनको बहुत जल्दी पड़ी है आउट होने की, जबरदस्ती आउट होना चाह रही है के साथ शॉट है यार, लेकिन पूरा नहीं मार पाए, सीधा हाथों में कैच दे दिया। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, आप अच्छा खेल रहे थे, टीम के लिए अच्छा किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन शायद आपके नसीब में यही था। चार हो गए, बल्ला इतना लेट लाया है। रनिंग करो, चार हो गया। डबल ला शॉट बॉय, चार हो गया, बहुत आला उमेर, डबल करोगे नहीं, नो ये भी तुम्हारा बिल्कुल कोने पे आया है, पकड़ ले सर, देख बोल तो देख ले, बाहर रन चाहिए, हमारा एक और मैच होगा वो भी हम जीतेंगे तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। ये तो ये कि आज को भी जीत गए, 12 रन चाहिए 5 ओवर में खाली, तो उमेर भाई ये फिर विनिंग शॉट खेलेंगे, उम्मीद करते हैं कि उमेर भाई से विनिंग शॉट हो, इंशाल्लाह खेलेंगे। मारेगा छक्का, मारेगा भाई 6 मजा आ गया। मैंने तो बहुत छक्का मारा, तो एक और बॉल खा के बैठ गया, हो गया और ये शाबा असद वेल पे, बहुत आला असद है, तू तो सिंगल ले रहा था लेकिन चौके मिल गए हमें, पता लगा। तो चलो
गाइस फाइनली आज का मैच हम लोग जीत गए और एक और मैच रह गया हमारा जो हमारे सेमीफाइनल के लिए हमारी रखावट है वो मैच पे जीते हैं और अपने आपको सेमीफाइनल में क्वालिफाई करें। सेमीफाइनल हमारा शायद मैं भी कराची से हूँ या फिर लाहौर से, दोनों ये दोनों टीम दूसरे ग्रुप से जो क्वालिफाई कर चुकी है। यहाँ पे भी हम लोग अटके हुए हैं, बस हमारे यहाँ पे हमें और एक और टीम है जो सेकेंड रहती है सेकेंड प्लेस पे क्वालिफाई करने के लिए। बस ये कि ये मैच हम लोग जीते हैं, अगला मैच हम लोग जीतेंगे और इंशाल्लाह सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे। ये क्या हम लोग टॉप ऑर्डर तो चला नहीं, मिड ऑर्डर तो लोग स्कोर बनाया और हमारा टारगेट जो है ये चेस करके आए ये लोग। बहुत अला गाइस शाबाश 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 वेल प्लेड यार, जैसे तेरे मुंह पे लगी उसके बाद अच्छा। तो चलो गाइस आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में।